ये रहा जी हमारा नया मडगार्ड। ये अल्हम्दुलिल्लाह मडगार्ड मैंने खोल ली है, ये आप देख सकते हैं। और ये रहा बाइक, और इसकी हमने अभी सीट खोलनी है। आज हमने चेंज करना है मडगार्ड अपने बाइक का, जो कि जंग लगने की वजह से काफी खराब हो गया। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी मारने लगा हूँ इसको रंग, ये वाला, तो इसको भी खोलते हैं और इसको रंग मारते हैं। रंग हमने मारना है इसकी निचली साइड पे, ताकि इसे जंग ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पेंट वगैरह हमने कर दिए, और अब इसके सूखने का इंतज़ार है। ये सूख जाएगा, उसके बाद इसको बाइक पे इंस्टॉल करेंगे। एक घंटा हो गया मैं इंतज़ार करते हुए, और पेंट जो है हल्का फुल्का सूख भी गया। मैं आपको हाथ लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ नीचे, और बाइक और सारा सामान मैंने निकाल लिया, टूल्स वगैरह ये सारे देखे आता हूँ। पेंट जो है वो सूख गया, और अभी मैं बाइक खोलने लगूँ। यहाँ पे पड़े हैं सारे टूल्स वगैरह, और एक टूल बैग ये है, और एक टूल बॉक्स मैंने अबू की गाड़ी से निकाला। और ये रहा बाइक, और इसकी हमने अभी सीट खोलनी है। उसके बाद ये सारा कुछ खोल के ये मडगार्ड पुराने वाला उतारना है, और इसकी जगह हम यहाँ पे नया मडगार्ड लगाएंगे। मडगार्ड मैंने खोल लिया, ये आप देख सकते हैं। ये पड़ा हुआ है मडगार्ड, और इसकी हालत इस वक्त कुछ इस तरह की है। जंग लगा हुआ है, लेकिन सारा यहाँ से ख़राब हुआ हुआ है, यहाँ से भी ख़राब हुआ हुआ है। अभी जो है वो सारा कुछ मैंने खोल लिया है। अभी मैंने क्या करना है, इसको वॉश करना है। ये वाला जो इतना भी एरिया है, इस सारे एरिए को हम जो है वो वॉश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मैंने खोल ली है, जिसके साथ लाइट और नंबर प्लेट लगती है इसके साथ से। और अभी जो है मैं करने लगा हूँ वॉश इस बाइक को। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक और उसके जितने स्पेयर पार्ट्स है वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। अभी ये सिचुएशन है, तो अभी हम जो है वो नया मडगार्ड जो है वो लगाने लगे हैं। ये रहा जी हमारा नया मडगार्ड। पहले इस मडगार्ड के साथ यहाँ पे हम नंबर प्लेट वाली ये लगाएंगे, ये वाली चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी मडगार्ड मैंने लगा दिया है, और बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें से एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने निकाल दी है, वो सामने जो पड़ी है रेड रेड वाली है, जो कि यहाँ पे लगती थी। और यहाँ पे मैं ये बीच में रबड़े रख के यहाँ पे लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाकी सारे मामला क्लियर हो गए हैं, बस लास्ट नंबर प्लेट लग रही है। तंग बहुत ज़्यादा हम लोग इस वजह से, क्योंकि सारे काबले 12 नंबर के फ्री थे, सीट के काबले, स्टैंड के काबले सारे फ्री थे। कई काबला जो है, कई काबला जो है वो फंस गया है, उनको ही मिल रहा है। बाइक का जितना भी काम था मैंने कर दिया,
बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। बस एक काबला जो था वो गड़बड़ कर गया था, वो फंस ही गया, निकला ही नहीं है। तो उसके लिए जब तक ग्राइंडर नहीं होगा वो कट के फिर नया लगेगा तब निकलेगा, वरना वो काबला नहीं निकलने वाला। तो वो फंस गया, उस वजह से काफ़ी टाइम लग गया मुझे। फिर उसके बाद जितने भी काबले थे 12 नंबर के, सीट के काबले, स्टैंड के काबले, वो सारे फ्री थे और सारे लोकल लगे हुए थे। फिर मैंने जो अच्छे वाले ढूंढ के डब्बे में से वो लगाए हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हो गए हैं। और एक 12 का काबला एक ऐसा है जेन्युइन किस्म का, वो मैंने इंशाल्लाह लाने हैं और सारे वही ला कर ना लगाऊँगा, क्योंकि वो काबला स्लिप नहीं होता। वो काबला वो क्या कहते होते हैं, लेती होता है इस तरह कोई ओरिजिनल सीन है ना, तो वो ओरिजिनल वाला काबला है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि बाइक फिट हो गया, नया हो गया और कटिंग शटिंग कल मैं करवा गया था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कटिंग उसने की है। मैंने उसको कहा यार मशीन लगा, ठीक है ये मशीन लगा उड़ाओ सारे बालों को, क्योंकि मैं तंग हुआ था, गर्मी होती है, गर्मी जाने नहीं छोड़ी। तो ये सारा सीन था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।